वो सेवियर कैसे हो सकती है चंदेरी की, क्योंकि रिचुअल कंप्लीट करनी होगी जिससे शायद वो और आगे जाके और भी पावरफुल हो जाए। तो बाबा लोग स्त्री 2 का ट्रेलर सभी ने देख ही लिया होगा और यस सभी को मजा आया होगा डेफिनेटली। तो बाबा क्या करने वाले हैं, इस ट्रेलर को ब्रेक डाउन करने वाले हैं, स्टोरी प्रिडिक्शन करने वाले हैं कि आखिर मूवी में हमें मिल क्या सकता है। बहुत सी की डिटेल लेके आया हूँ जहां पर स्त्री फर्स्ट जो पार्ट है उस पार्ट की कहानी की भी जरूरत पड़ेगी इस ट्रेलर को ब्रेक डाउन करने के लिए कि हमें आखिर मिल क्या सकता है मूवी में। अब शुरुआत करते हैं बिना किसी बकैती के, लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो को एक लाइक, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो बाबा शुरू होता है ट्रेलर और ट्रेलर की स्टार्टिंग में ही पंकज त्रिपाठी कहते हैं कि जब स्त्री चली जाएगी तो अकॉर्डिंग टू चंदेरी पुराण की स्त्री जब चली जाएगी तो वो आएगा, वो कौन, सरकटा आएगा। तो बाबा सरकटा का आतंक हमने ट्रेलर में देख ही लिया, क्या कर रहा है वो, सारी लेडीज यानी कुंवारी लड़कियों को ही उठाते हुए देखने को मिल रहा था, सारी कुंवारी लड़कियों को, चंदेरी की कुंवारी लड़कियों को वो उठा रहा है और ले जा रहा है एक ऐसे पैरेलल यूनिवर्स में जो शायद धरती लोक में हो, क्योंकि अपने यहाँ पर कहानी यही दिखाई जाती है पाताल लोक में। तो बाबा ये सारी चीजें आखिर हो क्यों रही है, इससे पहले ये क्वेश्चन आता है कि स्त्री आखिर कौन थी, जो इस स्त्री को विलेन के रूप में ट्रीट करा जा रहा था फर्स्ट पार्ट में, वो यहाँ पर सेवियर का काम कर रही है। बाबा यस ट्रेलर 2 में स्त्री हमें हेल्प करते नजर आ रही है, लेकिन आखिर वो क्यों कर रही है, वो सेवियर कैसे हो सकती है चंदेरी की, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि वो सारे मर्द लोगों को उठा के ले जा रही थी। एंड दिस इज द की पॉइंट ऑफ दिस ट्रेलर की भाई ये करना जरूरी भी था, क्योंकि सरकटा क्या कर रहा है, वो सारे मर्दों को अपने कब्जे में कर रखा है, अपने बस में कर रखा है, और मर्द तो होती ही भोली भाली चीज है, वो कहीं भी कैसे भी बस मूर्ख बनाया जा सकता है और इजली मूर्ख बनते नजर भी आ रहे हैं। तो ये चीज स्त्री को पहले ही पता थी कि अगर वो आएगा तो सारे मर्दों को पहले तो अपने बस में करेगा और सारी औरतों को उठा के लेके चला जाएगा। और यस ट्रेलर के स्टार्टिंग में ही चंदेरी पुराण के अकॉर्डिंग ये बताया गया था कि भाई साहब स्त्री को स्त्री बनाने में शहर के मर्दों या फिर उनका हाथ नहीं है, स्त्री को स्त्री बनाने में उस वैश्या से स्त्री बनाने में हाथ है सरकटे का। तो यस यहाँ पर वो चंदेरी की सेवियर ही है, जो फर्स्ट पार्ट में ये जो थ्योरी दिखाई जा रही थी वो बिल्कुल खारिज होती है कि वो विलेन नहीं थी, वो बस किसी ना किसी तरीके से प्रोटेक्शन ही देना चाह रही थी चंदेरी को, लेकिन यह यहाँ पर लोगों को समझ में नहीं आया, वो उसे विलेन के रूप में ही ट्रीट कर रहे थे। लेकिन वो जो अब थ्योरी आएगी उस चीज़ की, जो वो मकसद था स्त्री का जो वो उस पार्ट में कर रही थी, वो शायद लोगों को अब समझ में आने वाली है। नाउ मुद्दा इज दैट कि भाई साहब सरकटा ऐसा करना क्यों चाहता है, वो सारी लड़कियों को क्यों ले जा रहा है, तो भाई इसके पीछे सिंपल सा एक लॉजिक रहता है कि उसे कोई ऐसी रिचुअल कंप्लीट करनी होगी जिससे शायद वो और आगे जाके और भी पावरफुल हो जाए, या फिर वगैरह वगैरह कुछ भी, मतलब कुछ भी मैजिकल पावर उसकी जुड़ जाए, कुछ भी ऐसा बहुत कुछ सीन देखने को मिला है। लेकिन स्त्री इस चीज से उसके मकसद से भली भांति जानती है, दैट्स वाई कि वो पहले ये करना चाह रही थी कि सारे मर्दों को पहले तो मैं यहाँ से हटा ही दूंगी ताकि वो रिचुअल कंप्लीट हो ना पाए, क्योंकि मर्द यहाँ पर यानी चंदेरी के मर्द यहाँ पर एक वो रिचुअल कंप्लीट करते नजर आ रहे हैं, कन्यादान वाला सीन कि वो उन सबको अपने बस में तो कर रखा है और वो ढोल वगैरह पीट कर वो बस एक हिसाब से कन्यादान जैसा कर रहे हैं, और ये चीज शायद उस रिचुअल का पार्ट हो, दैट्स वाई कि स्त्री पहले ही पार्ट में ये चाह रही थी कि जब मैं इस पार्ट को ही हटा दूंगी, यहाँ के मर्दों को ही हटा दूंगी, एक ऐसी जगह सेफली कर दूंगी, तो यस वो आएगा और उसका मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। शायद ये एक हो उस रिचुअल का पार्ट कि भाई साहब जिस भी लड़कियों को ले जाएंगे यहाँ के मर्दों के इजाजत के हिसाब से ही ले जाना पड़ेगा, उनके इजाजत के बगैर नहीं ले जाना पड़ेगा, जिससे शायद सरकटा सभी मर्दों को पहले ही अपने वश में कर रखा है। बाबा स्त्री यहाँ पर सेवियर है और ये पार्ट बड़ा ही दमदार देखने को मिल रहा है, लेकिन श्रद्धा कपूर का क्या रोल है यहाँ पर, श्रद्धा कपूर को कुछ भी नहीं दिखाया गया था, कोई इंट्रोडक्शन नहीं, बीच में से उठ के आई और उसने ये सब तरंग बड़ंग जो भी करना चाहा करा और हमें पता ही नहीं चला कि क्या है। तो भाई सेकेंड पार्ट में शायद अभी उसका रोल दिखने वाला है कि यह श्रद्धा कपूर भी शायद वही स्त्री है, क्योंकि वो उस टाइम पर आती थी जब पूजा हुआ करती थी, और शायद वो इस वजह से आया करती थी कि यस सरकटा इस समय पर आएगा और मैं उसे हराऊंगी या उससे आमने सामने पंगा होगा। नाउ द अनदर क्वेश्चन इज दैट कि भाई साहब स्त्री आखिर क्यों चाहती है, वो तो एक भूत है, चुड़ैल है, वो क्यों चाहती है कि चंदेरी की औरतों को वो प्रोटेक्शन क्यों देना चाहती है, बिकॉज सी नोज एंड वो जानती है और वो मकसद वो फील कर चुकी है जो शायद वो किसी और लड़कियों को फील कराना नहीं चाहती है, क्योंकि दरिंदगी सरकटा की क्या है वो उसने वो मंजर पहले ही महसूस कर रखा है, जो हमें स्टार्टिंग में ही बताया गया था कि वैश्या से स्त्री किसने बनाया, सरकटा ने बनाया,
तो वो उस पूरे मोमेंट को उसने पहले ही झेल रखा है और वो स्त्री नहीं चाहती कि शायद कि चंदेरी की किसी भी लड़कियों को उस दौर से उस मंजर से गुजरना पड़े जिस मंजर से मैं गुजर के आई हूँ। और ये सिंपथी या फिर ये कनेक्शन, ये फैमिली वाला कनेक्शन इसलिए भी देखने को मिल रहा है कि क्योंकि इन द पास्ट चंदेरी ने भाई साहब स्त्री को बहुत प्यार दिया होगा और बदले में स्त्री उसको प्रोटेक्शन देना चाह रही हो। दिस इज द थ्योरी भाई कि ये सब शायद हमें मूवी में देखने को मिलने वाला है और अनदर वर्ल्ड देखने को मिलेगा, पाताल लोक वही कहानी। और यस होता है अपने यहाँ डार्क मैजिक में ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करी जाती हैं। इन हॉलीवुड अलग होता है, वही पैरेलल यूनिवर्स की अगर बात करें। और ये जो पाताल लोक वाला, ये धरती के नीचे वाला सीन शायद क्लाइमैक्स का पार्ट होगा जहाँ पर लास्ट में श्रद्धा कपूर स्त्री और अपना विकी जो सेवियर है चंदेरी का, जो राजकुमार है भाई, वो बचाने के लिए जाएंगे। सरकटा से आमना सामना होगा और सरकटा यहाँ पर भाई फुल जाइगेंटिक रूप में देखने को मिल रहा है। हाई फाई डिल्डॉल है, बड़ा सर है, तो भाई सर से ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि उतना खतरनाक डिल्डॉल होने वाला है जिसे हराने के लिए भाई साहब श्रद्धा कपूर की भी आफत में आ रही है और वो एक टक नज़रों से नज़रें गड़ा के उसे हरा रही है, उससे लड़ रही है। इन द लास्ट भाई साहब खत्म करने से पहले पहले एक चीज़ और दिमाग में आई है कि यार ये सारी रिचुअल, ये सारी लड़कियों को आखिर क्यों ले जा रहा है, उससे वो रिचुअल कंप्लीट करना चाहता है, उसका मकसद क्या है? तो शायद मकसद ये हो सकता है कि सरकटा जब उसे बोल रहे हैं, इट मीन्स ये कि भाई साहब उसका सर ही एक्टिवली नजर आ रहा है, तो शायद वो अमर होना चाह रहा हो या दोबारा से जीवित होना चाह रहा हो, जहाँ पर उसे ये रिचुअल कंप्लीट करना होगा कि कुंवारी लड़कियों को लाओ और हमें आहूति दो, तब जाके तुम अमर हो सकते हो या दोबारा से जीवित हो सकते हो। और स्त्री नहीं चाहती है कि वो दरिंदा दोबारा से जिंदा हो जाए। दिस इज द प्रिडिक्शन, दिस इज द थ्योरी। कितना सच है कितना नहीं भाई साहब मूवी में देख कर पता लगेगा जो 15 अगस्त को आने वाली है। ट्रेलर फुल प्रॉमिसिंग है भाई, बहुत मजा आने वाला है। फुल हॉरर कॉमेडी का तड़का हमें देखने को मिलने वाला है। जो जैसा मंजर हमें स्त्री फर्स्ट पार्ट में देखने को मिला था, वो भेड़िया में देखने को मिला था, वो मुंजिया में देखने को मिला था, वही कॉमेडी, ह्यूमर, ड्रामा, हॉरर कॉमेडीज ये सब हमें इसमें भी देखने को मिलने वाला है और बहुत कुछ जबरदस्त भी देखने को मिलने वाला है भाई। लिटरली मैं एक्साइटेड हूँ राजकुमार राव के लिए, क्योंकि भाई इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है इस बंदे के अंदर। एंड अभिषेक बैनर्जी के लिए जो भेड़िया में कनेक्शन देखने को मिल रहा था, तो वरुण धवन को ये समन करने वाला है। हाँ भाई, क्लाइमैक्स की बात करें तो क्लाइमैक्स में तमन्ना भाटिया तो भाई साहब सीधे सीधे हमें देखने को मिल रही है। और सिर्फ सॉन्ग तक सीमित नहीं है, मूवी में भी कुछ एक पार्ट उनका होने वाला है जो सरकटा उसे खींच के ले जा रहा है और दोनों तरफ मर्द वो जो भुत बने खड़े पड़े हैं और शायद वो कन्यादान ही कर रहे हो। मेरी नज़र में भाई वो वही चीज़ लगी देखने को, बाकी क्या होगा क्या नहीं वो मूवी में पता चलेगा। अक्षय कुमार का भी नाम प्रॉमिस करा जा रहा है कि एच कैम्यू, ये बंदा भी हमें देखने को मिलने वाला है। फिलहाल पूरे ट्रेलर में कहीं हमें दिखने को तो नहीं मिल रहा है, लेकिन भाई इन माय विजन जो मुझे लग रहा है कि सरकटा का जो रोल होने वाला है वो शायद अक्षय कुमार हो सकते हैं शायद, जिसे आप बिल्कुल भी सच ना मानो तो अच्छा ही है, अगर ये चीज़ निकल गई तो वही मज़ा ही आ जाएगा। बाबा ट्रेलर बहुत दमदार है, नहीं देखा तो जाके जरूर देखना, ऑसम है बहुत भाई। ट्रेलर से ही अंदाज़ा लगा लोगे कि आपको मूवी में कितना मज़ा आने वाला है। और बाय गॉड इस मूवी के सामने कोई भी मूवी अगर आ गई, क्लैश हो गई, तो ये मूवी पूरे खुलेआम एक तरफा पीट के ले जाएगी ज़बरदस्त, क्योंकि यार यस वेट है भाई इस मूवी के लिए, दिल से वेट है। बाकी यहाँ तक पहुँच गए हो तो उसका वीडियो पसंद आया, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो पर, जय हिंद।